लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आखिर एनडीए है क्या? एनडीए जिसका पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है, जहां पर इंडिया की तीन पॉपुलर सेवाएं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में जाने से पहले एक एग्जाम लिया जाता है जिसे आपको पास करना होगा, जिसे हम एनडीए कहते हैं। अगर आपको भारत की सेवा के लिए थल सेना, वायु सेना, नौसेना में जाना है तो इन सभी सेवाओं में जाने के लिए हर साल दो बार एनडीए के एग्जाम्स होते हैं और ये यूपीएससी करवाती है। लेकिन इस एग्जाम में बैठने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, यानी कि एक योग्यता का क्राइटेरिया होता है। तो आइए जानते हैं एनडीए एग्जाम में बैठने के लिए योग्यता के क्राइटेरिया के बारे में। आप अविवाहित यानी कि अनमैरिड होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए योग्य हैं। इंडियन आर्मी के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इंडियन एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने के लिए 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना ही चाहिए। फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। आपकी उम्र 16.5 साल से 19 साल होनी चाहिए और एज लिमिट के लिए यूपीएससी की वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे जानते हैं एनडीए एग्जाम क्लियर कैसे करें। पहला ये है कि एनडीए एग्जाम पास करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और वही टाइम टेबल रोजाना फॉलो करें। सभी सब्जेक्ट के लिए बराबर टाइम टेबल बनाएं और उसी हिसाब से पढ़ाई करें। कमजोर सब्जेक्ट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। एनडीए एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। मैथ सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाएं। 11वीं और 12वीं में मैथ्स की अच्छे से पढ़ाई करें और उसे अच्छे से समझें। एनडीए एग्जाम के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और सैंपल पेपर सॉल्व करें ताकि आपको एग्जाम का आइडिया हो जाए। अब आगे जानते हैं एनडीए ज्वाइन कैसे करें थल सेना, वायु सेना और नौसेना में भर्ती होने के लिए। सबसे पहले 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट से। एनडीए ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले 12th पास करना जरूरी है और वो भी साइंस सब्जेक्ट से। ध्यान रहे जैसे ही आप 10th पास कर लेते हैं तो उसके बाद 11th में साइंस सब्जेक्ट में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट को चूज करना होगा। अगर आपको फौज में भर्ती होना है तो इसके लिए आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको 12वीं यानी कि 12th भी फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से पास करनी होगी और कोशिश कीजिए कम से कम 60% मार्क्स आप लेकर आए। दूसरा है एनडीए एंट्रेंस एग्जाम दे और क्लियर करें। जैसे आप 12th पास कर लेते हैं या फिर अगर आप 12th के फाइनल एग्जाम देने से पहले भी एनडीए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। और ये एग्जाम हर साल यूपीएससी कंडक्ट करता है, जो कि साल में 2 बार होते हैं, जो कि अप्रैल और सितंबर में होता है, और इसके फॉर्म हर साल जून और दिसंबर में निकलते हैं। तो आप फॉर्म को यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तीसरा है अब एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करें। एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद अब आप एसएसबी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो इसमें कई तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, एप्टी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू इत्यादि जैसे कई सारे टेस्ट होते हैं और इन सभी को आपको क्लियर करना होगा। नंबर 4 पर है अब एनडीए की ट्रेनिंग पूरी करें। सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आपको पोस्ट के हिसाब से जो भी पोस्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। कहने का मतलब 3 इयर्स एट एनडीए एंड 1 ईयर एट आईएमए यानी कि फॉर आर्मी कैडेट्स, और 3 इयर्स एट एनडीए एंड 1 ईयर एट नवल एकेडमी फॉर नवल कैडेट्स, और 3 इयर्स एट एनडीए एंड 1.5 इयर्स एट एएफए हैदराबाद फॉर एएफ कैडेट्स। तो ये ट्रेनिंग भी आपको पास करना होगा तभी आप एनडीए में किसी भी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनडीए में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स कर सकते हैं। तो एनडीए के बारे में इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मैंने सवारियां